फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी। आई एम सोमा हियर। आज हम बनाएंगे एक इंटरेस्टिंग रेसिपी, दैट इज चिकन बिरयानी इन माय स्टाइल। ओके, सो मैं ऐसा ही बनाती हूँ। सो इन दैट वे वी मेक द चिकन बिरयानी एंड बहुत झटपट बन जाते हैं एकदम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे अच्छे से धो के ले लिया है। यहाँ पे 600 ग्राम का चिकन है मेरे पास। सो उसको पहले हम लोग मैरिनेशन कर लेते हैं थोड़ा। तो एकदम ज़्यादा फ्यू इंग्रीडियंट्स मैरिनेशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देंगे कर्ड, ठीक है, दही। वन टेबल स्पून, ओके, इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे जिंजर पेस्ट, दैट इज 1 टेबल स्पून, ओके, और गार्लिक पेस्ट, दैट इज ऑल्सो 1 टेबल स्पून, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देंगे मिर्ची पाउडर, ओके। सो हम लोग अभी इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, मिनिमम हाफ एन आवर, ओके। चिकन को ज़्यादा मैरिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम हाफ एन आवर अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करके रख देते हैं। सो विल गो टू द मसालास नाउ। आलू फ्राई कर लेंगे, हमारा तेल गर्म हो गया है, लाइट गोल्डन तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। पोटैटो हम लोग का फ्राई हो गया है, उसको हम लोग अभी स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अपने साइड में रख देते हैं। जो चावल हम लोग ने धो के रखे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, धनिया पाउडर अच्छा से इसमें 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर यहाँ पे मिक्स करके देंगे। इसको हम लोग इसके ऊपर अच्छा से ऐसा लगा के देंगे, ऐसा रख देंगे, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवरफुल हो जाता है चावल हम लोगों का। ठीक है, इसको अभी हम लोग साइड में रख देते हैं, तो अच्छा से वो सूख भी जाएगा और फ्लेवरफुल हो जाएगा। फिर हम लोग अपना आगे का प्रोसीजर करते हैं। हम लोग अभी अपना बिरयानी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में मैं थोड़ा यहाँ पे घी मिक्स करूँगी, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसमें। रिफाइंड ऑयल मैंने यहाँ पे दिया है 2 टेबल स्पून, यहाँ पे मैं दूँगी 1 टेबल स्पून घी। फर्स्ट हम लोग डालेंगे अपना तेजपत्ता 2 तोड़ के, उसमें मैं दूंगी ब्लैक पेपर जो होता है, ठीक है, 15 मैंने यहाँ पे दिया दाना। हाफ टी स्पून मैंने ऐसा जीरा दिया है, हाफ टी स्पून, एंड हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे शाहजीरा दिया है। शाहजीरा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देंगे दालचीनी के टुकड़े, यहाँ चक्री फूल जो होता है वो मैं एक दूंगी यहाँ पे तोड़ के, और 5-6 यहाँ पे लवंग, और कार्डमम जो होता है 7-8, और ग्रीन चिली मैंने ऐसा तोड़ के दे दिया है। ठीक है, इसका थोड़ा फ्लेवर आने लगे फिर अपना अपना ऑनियन देंगे। मैंने उसको स्लाइसेस में काट लिए हैं 2 ऑनियन को, ओके, जो बड़े साइज के ऑनियन थे तो मैंने इसको स्लाइसेस में काट लिए हैं। अभी तो इसको सॉटे कर लेते हैं। अपना ऑनियन फ्राई हो गया है, इसमें हम डाल देंगे कोकोनट पेस्ट, ठीक है, 1/4 कप। ठीक है, आपके पास कोकोनट नहीं है तो आप खसखस जो होता है पोस्तदाना उसका पेस्ट भी डाल सकते हो। तो मैं आपकी कोकोनट पेस्ट डाल रही हूँ 1/4 कप। भून लेते हैं, कोकोनट पेस्ट भूनने के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे 2 टमेटोज जो हम लोग स्लाइस करके ऐसे डाल देंगे। ठीक है, रफली चॉप किया मैंने। इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1/2 टीस्पून। थोड़ा टमाटर हम लोग को कुक हो जाए, 3 टेबल स्पून, ठीक है,
जो पानी रहता है मसाला का वो भी डाल देंगे। पहले हम लोग जो गार्लिक का पेस्ट है वो पहले अच्छे से कुक कर लेते हैं, फिर हम लोग जिंजर का पेस्ट डालेंगे। अच्छा से हम लोग मसाला को भून लेते हैं। गार्लिक का पेस्ट अच्छे से हम लोग का कुक हो गया है, उसमें हम लोग डाल देते हैं जिंजर का पेस्ट 1/2 टू टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी दे के मसाला को कुक कर लेते हैं। अच्छे से कुक हो जाए फिर अपना चिकन डालेंगे। तो स्पाइसेस है अच्छे से हम लोग का भून चुका है, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, है ना, कोकोनट पेस्ट अच्छा से हम लोग का भून चुका है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर देते हैं 1 टेबल स्पून। ओके, यहाँ पे हम लोग डालेंगे पुदीना के पत्ते, ठीक है। ओके, मसाला हम लोग का भून चुका है अच्छे से, देखिए ऑयल भी रिलीज हो गया है। उसमें हम लोग डाल देते हैं बाकी चिकन का पीसेस जो मैरिनेशन करके हम रखे थे। अच्छे से मैरिनेशन हो गया है, अब इसको लो टू मीडियम में अच्छे से हम लोग इसको कुक कर लेंगे। चिकन अच्छे से बॉईल टेंडर होने तक, ठीक है। जब तक चिकन हम लोग अच्छे से पकना जाए तब तक इसको हम लोग कुक करेंगे। चिकन हम लोग का देखिए कितना अच्छे से कुक हो गया है, ठीक है, टेंडर हो गया है, चिकन हम लोग का टूट रहा है। इसी स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो आलू फ्राई करके रखे थे वो हम लोग इसमें डाल देंगे, तो आलू भी टेस्टी हो जाएगा, इसके साथ साथ जूस अंदर तक चला जाएगा, अच्छे से बॉयल भी हो जाएगा। समझे, डाल देते हैं यहाँ पर धनिया पत्ता अच्छे से, तो उसका भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा पका लेते हैं जब तक हम लोग का ग्रेवी थोड़ा ड्राई ना हो जाए। ओके, करने के लिए देते हैं थोड़ा, आलू भी थोड़ा टेंडर हो जाए और हम लोग का ग्रेवी भी थोड़ा और थोड़ा ड्राई हो जाए। जब तक हम लोग का चिकन पक रहा है तब तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग थोड़े यहाँ पे घी डालेंगे पहले, और अपना जो चावल है उसको थोड़ा भून लेते हैं, ठीक है। मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे घी दे दिया है। उसमें अपना चावल देके भून लेते हैं, ठीक है। चावल भी अच्छे से सूख गया है, मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से हम लोग भून लेते हैं चावल को, ठीक है, धीरे धीरे करके। अच्छे से इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। राइस के साथ चिकन, आलू दे दिया है। आलू आपको नहीं पसंद है तो फ्रेंड आप यहाँ पर ओमिट भी कर सकते हैं, और एक बार बना के ऐसा देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। धीरे धीरे करके गर्म पानी डाल देंगे। जब गर्म पानी डालेंगे थोड़ा मीडियम टू हाई में रखना फ्लेम, ओके। फिर एकदम लो फ्लेम में पहले थोड़ा, अभी हम लोग फिर हाई में रखेंगे, ढकने के बाद फिर लो फ्लेम में इसको हम लोग अच्छे से पका लेंगे। हीट कम करके इसको हम लोग लो फ्लेम में पका लेंगे। धनिया पक गया है, ऊपर से थोड़ा धनिया पाउडर, धनिया पत्ता दे देंगे, अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला दिया है, ठीक है। मैंने अंदर कुछ बिरयानी मसाला नहीं दिया था, ठीक है। 1.5 टीस्पून तीखा कम होगा तो ग्रीन चिली 2 में तोड़ के दे दूँगी, और यहाँ पे घी 1 टीस्पून बस। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है,
गरम है अभी बहुत, अभी मैंने गैस ऑफ किया है जस्ट। ये अभी ढक के रख देंगे तो उसका स्टीम से फ्लेवर अच्छा से अंदर जाएगा। वही ढक के हम लोग रख देंगे फॉर 10 मिनट्स, तो उसका अच्छा स्टीम से वो फ्लेवर अच्छा से अंदर चला जाएगा। देखिए हम लोग का पूरा खिला खिला बन गया है हम लोग बिरयानी। आप ऐसा करके सर्व कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे वन टी स्पून गरम मसाला बिरयानी मसाला दिया था, हाफ टी स्पून गरम मसाला दिया था। ठीक है, आप लोग उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हो ऐसा एक बॉइल देके। आप ऐसे करके सर्व कर सकते हो। ओके, साथ में दही का रायता। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा रेसिपी बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं तो अभी एंजॉय करने जा रही हूँ। ओके, सो आप लोग भी बना के एंजॉय करिए, फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। कैसे लगा रेसिपी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन गुड बाय।